भागीदार बन के रहे। उसी समय से लक्ष्मी माता वैकुंठ। नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में, और हम खड़े हैं दुर्गागढ़ी दुर्गा जन कल्याण। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह के रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदीराम बल्ली हिलकार रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। इसी अनुष्ठान किया जा रहा है जो बहुत ही भव्य और आकर्षक है। यहाँ पे नवग्रह मंदिर के संस्थापक पंडित ध्रुव उपाध्याय जी हैं, और साथ में और हमारे तमाम भाई बहनें जो मिलकर के बहुत ही आकर्षक और जोशीला अनुष्ठान आप सबके सामने पेश कर रहे हैं। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और इस फुटेज को देख करके आनंद लीजिए। तो प्रेम से बोलते हैं, भारत माता की जय। अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद। आपका स्वागत है बाबा द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में, मैं पंकज। तो बाबा बताइए हमारे दर्शकों को, ये जो देवशी प्रोग्राम किया जाता है ये कब से शुरू हुआ है और इसका क्या उद्देश्य है, कैसे किया जाता है, इसका क्या नियम विधि व्यवहार है, तो एक बार हमारे दर्शकों को बताइए ये कब से होता है और कब तक किया जाता है। जय हो ग्लोबल न्यूज़ देखने वाले हमारे जितने भी श्रद्धालुगण हैं, सभी को इस देवसी भैली की शुभकामना। विशेष करके भगवान जब राम अयोध्या से जब लौटे तो अयोध्या वासियों ने बड़े धूमधाम के साथ में दीपक जला के दीपावली मनाई है। उसी समय देवसी राम शुरू हुआ। सारे भक्तों ने भगवान राम के अयोध्या आने से बड़ी खुशी मनाई है। सब नाचते हुए, गीत गाते हुए, आनंद लेते हुए, बहनों ने भैली राम कहा है और लड़काओं ने, पुरुषों ने देवसी राम कहा है। भगवान राम का एक नाम है। और विशेष करके दूसरा भी बात कहा गया है, जब राजा बलि अवतार में गए तो भगवान वामन अवतार को वहाँ जाना पड़ा भक्तों के लिए, वहाँ चौकीदार बन के रहे। उसी समय से लक्ष्मी माता वैकुंठ लोग सुन्नी हो गए। लक्ष्मी माता जाकर के देखा भगवान विष्णु चौकीदार बनकर के बलि राजा के दरबार के गेट में बैठे हुए हैं। और उसी समय लक्ष्मी जाकर के, बलि राजा का कोई बहन न था, उनको भी भाई टीका लगाया गया, रक्षाबंधन बंधन किया है। और उसके साथ में लक्ष्मी को कहा, राजा बलि आप दक्षिणा क्या लोगे? माता ने कहा मेरा एक चौकीदार है, तो मेरा विष्णु है, मेरा वैकुंठ धाम सुनने है, तो उनके मांगने के लिए आया हूँ। तो भगवान मांग लिया, राजा बलि ने भगवान को दिया। भगवान विष्णु को कहा, राजा बलि ने, हे प्रभु आप जा रहे हो लेकिन हम 5 दिन के लिए हम मध्य मंडल में आएंगे। तब आएंगे, ये जो पंचक है जो 5 दिन काक प्यावर, कौवा का प्यावर होता है, कुकुर का प्यावर होता है, कौवा पूजा किया जाता है, कुत्ता का पूजन किया जाता है, और गौ पूजा शुभ दीपावली, लक्ष्मी पूजा और साढ़ का पूजा, गुरु पूजा, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट पूजा, इसी प्रकार से भाई दूज में जो है भाई टीका, भाई का पूजन होता है। इसलिए मैं 5 दिन के लिए देवसी राम करने के लिए, और मैं जरूर प्रतिलोक में आऊँगा कि हमें आशीर्वाद वरदान दीजिएगा। तो भगवान जी का वास्तु, इसलिए 5 दिन के लिए जो है राजा बलि भी धरती पर आते हैं और देवसी खेलते हैं, भैली खेलती हैं। यही हमारी एक परंपरा है। जय हो, जय हो, जय हो। अब आज के दिन के उपलक्ष्य में क्या संदेश देना चाहेंगे आप समाज को, देश को? हमारे ग्लोबल न्यूज देखने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं, विशेष करके हमारे जितने भी इस चैनल को देखने वाले, विश्व में रहने वाले जो हमारे माता पिता, दादी भाई, दीदी बहन जितने भी हैं, सभी हंसी खुशी रहिए, आनंद रहिए। आसान जिंदगी है, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है, कौरा शिलाक होने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। इस मनुष्य जीवन को आप बड़े आनंद के साथ में, खुशी के साथ रहिए। आप लोग परिवार में हंसी खुशी रहे, आनंद रहे, सुख समृद्धि रहे आपके परिवार में। ऐसे गंगा जी जाकर सागर में मिलती है, उसी प्रकार सबका मन मिले, भाईचारा, एकता, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र को अच्छा निर्माण करें, और यही मेरी शुभकामना। दर्शकों को एक बार बताइए। अच्छा, पहले तो पंकज जी को भी मेरा
छठ पूजा के शुभकामना बधाई। और आज हमारे दुर्गागढ़ी दुर्गा जन कल्याण संगठन का तरफ से हम लोग हमारे नेपाली भाषी गोर्खा जाति के जो हमारे संस्कृति जो हमारे देवसी भैरव कार्यक्रम है ये हम लोग हमारे प्रत्येक साल हम लोग करते हैं। विश्व के सभी जगह हम लोग जाने नहीं सकते, इसीलिए हम लोग कुछ कुछ घर में जिस घर से हम लोग का बुलावा आते हैं उसी घर में हम लोग जाते हैं। तो हम लोग आज पिछला दिन अंतिम दिन हमारे दुर्गागढ़ी हमारे जितने भी हमारे संस्था के सदस्य है सभी को इस गांव को लेके एक ही जगह में हम लोग दुर्गागढ़ी जनकल्याण संगठन में आप उद्देश्य के लिए ये हमारी संस्कृति है, इस संस्कृति को बचा के रखना पड़ेगा। संस्कृति बचने से ही जाति भी बचता है। अगर कोई जाति को शेष करना है तो उसको जाति को संस्कृति को शेष कर दो, वो जाति खुद ही मर जाए। तो इसीलिए संस्कृति बचा के रखना है हमारा प्रमुख कर्तव्य है धर्म। तो इसीलिए हम लोग हमारे समाज के जितने भी हमारे सिर्फ देवसी कार्यक्रम में हम लोग हर साल में जो जो हम लोग का कार्यक्रम होते हैं हम लोग सभी कार्यक्रम हम लोग बनाते हैं। तो हमारे छठ पूजा भी जय श्री राम, 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 जय श्री राम।